हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जीन इंटेक्शन के बारे में। ठीक है, तो ये जीन इंटेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो जीन इंटेक्शन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ हिस्ट्री में जाते हैं और मेंडल का जो आइडिया था उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेंडल ने क्या आइडिया दिया था कि एक कैरेक्टर को सिर्फ एक ही जो जीन है वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे टॉलनेस का करेक्टर लेते हैं, ठीक है, सपोज हमने हाइट का करेक्टर लिया, यहाँ पे क्या लिया है, हाइट का करेक्टर लिया। ठीक है, अब मेंडल ने क्या बोला था कि जो हाइट का जो करेक्टर है इसे सिर्फ एक ही जीन जो है वो कंट्रोल करेगा, या हम बोल सकते हैं जो एक ही फैक्टर है वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, सपोज अब हाइट है तो इसमें दो ट्रेट्स होंगी, एक क्या हो जाएगा आपका टॉल, एक ड्वार्फ। ठीक है, तो टॉल कब होगा, जब प्लांट कैपिटल टी जीनोटाइप होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तब जो प्लांट है वो टॉल होगा। और ड्वार्फ कब होगा, जब स्मॉल टी होगा। ठीक है, तो मेंडल ने क्या बोला कि अगर एक जीन है या सिंगल जीन है इट विल कंट्रोल ओनली सिंगल करेक्टर। ठीक है, लेकिन अब मेंडल ने उस समय तो अपना आइडिया दे दिया कि ईच करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई ओनली अ सिंगल जीन और द सिंगल फैक्टर। लेकिन बाद में क्या हुआ, मॉडर्न टाइम में जैसे जैसे जो साइंस है या टेक्नोलॉजी जो डेवलप होती गई तो उससे क्या आइडिया दिया गया कि ऐसा नहीं होता है। अब कोई जरूरी नहीं कि जो एक ही जीन है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ये बोला मॉडर्न साइंस में बोला गया कि सिंगल जीन हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। ठीक है, अब इसी इंपैक्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लियोट्रॉफी बोल सकते हैं। ठीक है, प्लियोट्रॉफी, तो प्लियोट्रॉफी का मतलब क्या है, तो प्लियोट्रॉफी का मतलब होता है कि व्हेन द सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन कैरेक्टर देन इट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉफी। ओके, तो ये टर्म होगा प्लियोट्रॉफी। अब इसी को हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे कि ह्यूमन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस में क्या होता है कि सपोज एक डिजीज होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया, आप लोगों ने सुना होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो ये डिजीज क्या होती है, इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी में जो फिनाइल एलानिन होता है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ता चला जाता है। अगर किसी के अंदर जो एंजाइम है वो डिफेक्टिव है, अब इसके लिए एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोक्सिलीन, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ओके, तो ये एंजाइम होता है, दिस एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग दिस फिनाइल एलानिन। ओके, अगर किसी के अंदर फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है वो एब्सेंट है, ठीक है, तब क्या होगा, जो हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर कोई इंसान या कोई ह्यूमन अगर ज़्यादा प्रोटीन प्रोडक्ट खाता है तो उसके अंदर जो फिनाइल एलानिन का जो कंटेंट है वो बढ़ता चला जाता है। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो जीन रेस्पॉन्सिबल है फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज के लिए वो कुछ और इफेक्ट भी शो कर सकता है, जैसे वो शो कर सकता है मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्टेचर। ओके, शॉर्ट स्टेचर भी वो दिखा सकता है और साथ ही साथ और भी जो डिफेक्ट है वो भी शो कर सकता है। ठीक है, जैसे नॉन पिगमेंटेशन ऑफ हेयर। तो इसमें हम लोग ने क्या देखा कि जो जीन रेस्पॉन्सिबल है फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए इट कैन आल्सो शो सम अदर इफेक्ट आल्सो। ठीक है, लाइक इट कैन कॉज मेंटल रिटार्डेशन आल्सो अलोंग विद दैट शॉर्ट स्टेचर आल्सो एंड आल्सो नॉन पिगमेंटेशन ऑफ हेयर आल्सो। क्लियर, तो इससे क्या हमें पता चलता है कि ये जो जीन है जो कि फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज को कॉज कर रहा है इट इज हैविंग नॉट ओनली वन इफेक्ट, ओके, इट इज आल्सो हैविंग सम अदर इफेक्ट आल्सो। ठीक है, अब मेंडल ने क्या बोला था कि अगर कोई भी एक जीन है या सिंगल जीन है इट विल शो और इट विल कंट्रोल ओनली वन कैरेक्टर।
और टेट, ओके। बट अगर हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं फिनाइल कीटोनुरिया का, इसमें क्या है, जो एंजाइम है वो डिफेक्टिव है, लाइक फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम डिफेक्टिव है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी में जो कॉन्सेंट्रेशन है फिनाइल एलानिन का वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। उसके साथ ही साथ अब जो जीन फिनाइल कीटोनुरिया डिजीज को कॉज कर रहा है, उसके साथ साथ वो कुछ और भी डीजी या कुछ और भी डिफेक्ट को शो करेगा, जैसे मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्टेचर, नॉन पिगमेंटेशन ऑफ हेयर, ओके। इसे हम लोग डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। अब तो अगर हम बात करें, एक हम लोग लेंगे जीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अगर हम लोग ले लिया एक जीन कॉम्प्लेक्स, तो उसमें हम लोगों ने सपोज थ्री जीन्स ले लिए, हम लोगों ने क्या लिए, थ्री जीन्स, तो ये हमारा हो गया जीन वन, ये जीन टू, ये जीन थ्री, तो इसे हम लोग जीन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जीन कॉम्प्लेक्स, क्लियर। अब देखिए ये जो तीन जीन है, ठीक है, दीज आर थ्री डिफरेंट जीन एंड इट मेक्स जीन कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये जो तीन जीन है दे कैन इन्फ्लुएंस द सिंगल सोमेटिक कैरेक्टर आल्सो, ओके। जैसे ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, जीन कॉम्प्लेक्स लिया, जीन वन, जीन टू, जीन थ्री, ठीक है। तो ये जो तीनों जीन है दे हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द सिंगल सोमेटिक कैरेक्टर आल्सो, ओके, मींस दे कैन डू और दे कैन लाइक कंट्रोल सिंगल सोमेटिक कैरेक्टर आल्सो, ठीक है, चाहे वो जीन वन हो, चाहे जीन टू हो, चाहे जीन थ्री है, तीनों क्या कर सकते हैं, किसी एक सोमेटिक कैरेक्टर को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब वही अगर बात करें हम लोग सिंगल जीन की, सपोज हम लोगों ने अब लिया एक सिंगल जीन, सपोज दिस इज अ सिंगल जीन, क्लियर। अब सिंगल जीन क्या कर सकता है, वो भी कर सकता है थ्री डिफरेंट कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, इट कैन आल्सो कंट्रोल थ्री डिफरेंट कैरेक्टर, क्लियर। तो इससे में क्या पता चलता है कि जब उस टाइम पे मेंडल ने बोला था कि एक कैरेक्टर को सिर्फ एक ही या सिंगल जीन कंट्रोल करेगी, तो इट इज नॉट ट्रू। जैसे जैसे स्टडी होती गई तब हमें पता चला कि जो सिंगल जीन है इट कैन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर और ट्रेट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिया, अगर तीन जीन है तो तीन जीन जो क्या कर सकती है, वो एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को भी कंट्रोल कर सकती है। ये नेसेसरी नहीं कि ये जीन वन है, ये सपोज हम लोगों ने ले लिया कोई टॉलनेस का कैरेक्टर, कि टॉलनेस का कैरेक्टर को सिर्फ जीन वन ही जो है वो कंट्रोल करेगी, ठीक है, या वो जीन वन का ही जो इन्फ्लुएंस होगा वो टॉलनेस के कैरेक्टर पे होगा, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने अगर सपोज ले लिया कि सपोज किसी फ्लावर का कलर, ठीक है, तो सिर्फ जो फ्लावर कलर होगा उसे सिर्फ जीन टू ही जो है वो इन्फ्लुएंस करेगी, ऐसा नहीं हो, कोई दूसरी जीन भी हो सकती है जो सेम वर्क कर रही हो, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने क्या लिया, तीन डिफरेंट कैरेक्टर, या हम लोग कैसे तीन जीन्स लिए, और तीन जीन्स का भी जो सेम फंक्शन होगा वो हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि एक जीन का तो स्पेसिफिक वही फंक्शन होगा, उसके अलावा कोई और फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। वही अगर हम लोग सिंगल जीन लिया है, जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि सिंगल जीन क्या कर सकती है, वो मोर देन वन कैरेक्टर को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, मींस द सिंगल जीन आल्सो कैन इन्फ्लुएंस मोर देन वन कैरेक्टर आल्सो, इट कैन शो फॉर लाइक फ्लावर कलर के लिए भी वो कुछ कैरेक्टर शो कर सकती है, वही अगर हम बात करें हाइट के लिए तो हाइट के लिए भी कर सकती है, अगर वो किसी का सपोज शेप, किसी सीड का जो शेप है, ठीक है, उसके लिए भी वो कैरेक्टर शो कर सकती है। तो हमारा ब्रॉड
कहने का क्या मतलब है कि जो सिंगल जीन है इट कैन इन्फ्लुएंस और इट कैन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर. ओके, तो दैट इज द बेसिक अबाउट द जीन इंटरेक्शन. क्लियर? तो जीन इंटरेक्शन का, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है जीन इंटरेक्शन, जब किसी भी दो जीन्स के बीच इंटरेक्शन होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जीन इंटरेक्शन. क्लियर? या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर एक जीन में दो एलील्स के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर एक होमोलोगस क्रोमोजोम है उसमें तो अगर एक जो जीन्स प्रेजेंट है, अगर उस जीन्स में जो एलील्स प्रेजेंट होगी, जैसे कि हम लोग बताए कि कोई भी जीन हो चाहे टॉलनेस का जीन है, ठीक है, तो इसमें दो एलील्स प्रेजेंट है, कैप्टर टी. ओके, अब अगर इनके बीच भी अगर इंटरेक्शन हो रहा है, द इंटरेक्शन विच टेक्स प्लेस बिटवीन द टू एलील्स, देन द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड अ जीन इंटरेक्शन. ठीक है, क्लियर? तो अब डेफिनेशन देख लीजिए. द फेनोमेना ऑफ टू और मोर जीन्स अफेक्टिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर इन वेरियस वेज इन द डेवलपमेंट ऑफ सिंगल कैरेक्टर. क्लियर? जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, डिफरेंट जीन्स हैं, वो क्या कर रही है, दे आर लाइक अफेक्टिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर इन वेरियस वेज इन द डेवलपमेंट ऑफ सिंगल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, तो दैट इज कॉल्ड द जीन इंटरेक्शन. ओके, तो इसमें देखिए तीन जीन है. अब ये जीन भी कर सकती है एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को शो कर सकती है या कंट्रोल कर सकती है, जीन टू भी कंट्रोल कर सकती है, जीन थ्री भी कंट्रोल कर सकती है. सेम वे में जो सिंगल जीन है इट कैन आल्सो कंट्रोल द अदर कैरेक्टर. ओके, तो सिंगल जीन जो है इट कैन आल्सो शो मोर देन वन कैरेक्टर. तो ये क्या हो गया है, जीन इंटरेक्शन के बारे में, कि जीन इंटरेक्शन क्या है और हाउ दिस जीन इंटरेक्शन वर्क. ओके, और जो कॉन्सेप्ट है जीन इंटरेक्शन का वो क्या है. ठीक है, इसमें एक चीज और देखने वाली है कि जो जीन इंटरेक्शन है, ठीक है, अगर हम लोग मेंडल का जो लॉ देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, या हम लोग मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस देखें या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखें, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जो रेशियो हमें मिलता है वो हमेशा मिलता है 9:3:3:1, ये डाईहाइब्रिड के केस में मिलता है. क्लियर? अब वहीं अगर बात करें ट्राईहाइब्रिड में, जो हमें ट्राईहाइब्रिड में क्या मिलता है, 27:9:9:9:3:3:1, ये रेशियो मिलता है. अब अगर जीन का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो हमें रेशियो मिलता था वो मॉडिफाई हो जाएगा. ठीक है, मींस अगर जीन इंटरेक्शन हो रहा है तो वॉट एवर द रेशियो विच वी गॉट इन द डाईहाइब्रिड क्रॉस और ट्राईहाइब्रिड गॉट, वी विल गेट द डेविएशन फ्रॉम दिस रेशियो. ओके, तो हमें यहाँ पे डेविएशन मिलेगा मेंडल की डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जीन इंटरेक्शन का बारे में, कि जीन इंटरेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या होते हैं. चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे जीन इंटरेक्शन का टाइप्स कितने होते हैं. ठीक है, तो नॉर्मली जीन इंटरेक्शन क्या होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स. ओके, सो हम लोग टू टाइप्स में स्टडी करेंगे जीन इंटरेक्शन की. तो जो पहला हो गया वो है इंट्राजेनिक और इंटर एलीलिक, और जो दूसरा हो गया है वो है इंट्राजेनिक और नॉन एलीलिक. क्लियर? तो जैसे कि आपको नाम से लग रहा है इंट्राजेनिक, तो बहुत ही सिंपल है, आप बस नाम को डिफरेंसी मीन्स जो वर्ड है उसे डिवाइड कर दीजिए. इंट्राजेनिक मीन्स एक जीन के अंदर ही. ठीक है, अब कोई भी अगर हम लोग जीन ले लें, सपोज अगर हम लोगों ने ले लिया कि हाइट का जीन, ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया, हाइट का जीन. क्लियर? तो हाइट अगर हम लोगों ने लिया है तो ये हमारा हो गया कैरेक्टर. ठीक है, अब इस कैरेक्टर को क्या कंट्रोल करेगा, टू एलील्स, टू ट्रेट्स. ठीक है, एक हो गया हमारा टॉल, एक तो ये ट्रेट हो जाएगा, एक ये ट्रेट हो जाएगा ड्वार्फ. ठीक है, अब टॉल कब होगा, जब कैपिटल टी प्रेजेंट होगा या कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट होगा. ड्वार्फ कब होगा, कब, जब स्मॉल टी प्रेजेंट होगा. क्लियर? अब हम लोगों ने क्या लिया, हाइट एक कैरेक्टर ले लिया और उसमें जो ट्रेट्स हैं चाहे वो टॉल हो या ड्वार्फ हो. ठीक है, टॉल कब होगा, जब प्लांट, जब उसका जीनोटाइप कैपिटल टी होगा. और ड्वार्फ कब होगा, जब स्मॉल टी होगा. ठीक है, तो नाम से लगा इंट्राजेनिक. ठीक है, आप अगर इन्हीं दो, सपोज कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है, व्हेन द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू एलील्स, अब ये एक ही जीन है ना, एक जीन में दो एलील्स होते हैं जैसा कि आप लोग को पता है. जब इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच, तब जो इंटरेक्शन होगा विच इज कॉल्ड अ इंट्राजेनिक. ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी अगर एक जीन है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, टू कॉपीज उसकी प्रेजेंट होगी, यानी कि इट विल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स.
ठीक है, जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के इंटरेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, इंट्राजेनिक, या दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटर एलिलिक। इंटर एलिलिक मतलब बिटवीन टू एलील्स, ओके। तो इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं, इसे समझने के लिए अगर हम लोग एक होमोलोगस क्रोमोजोम ले लें, ठीक है। तो सपोज ये हो गया आपका होमोलोगस क्रोमोजोम, क्लियर। अब देखिए होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जो आपका सेंट्रियोल है इट विल बी फिक्स, ओके। और साथ ही साथ जो क्रोमोजोम्स होंगे इट विल बी ऑफ इक्वल शेप और इक्वल साइज, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होते हैं, दे आर द क्रोमोजोम पेयर्स ऑफ इक्वल लेंथ, ओके, एंड अलोंग विद दैट द पोजिशन ऑफ सेंट्रियोल्स इज ऑल्सो फिक्स्ड, क्लियर, एंड इट ऑल्सो हैविंग द सेम सेट्स ऑफ जीन्स, क्लियर। तो यही क्या होगा आपका, होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक, ये आपका हो गया होमोलोगस क्रोमोजोम। अब देखिए इस होमोलोगस क्रोमोजोम में एक एलील आपकी यहां पर भी हो सकती है, सपोज इसे हम लोग कैपिटल टी मान लेते हैं, एक एलील आपकी यहां पर भी हो सकती है, ठीक है। वेन द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन दीज टू एलील्स देन इट इज कॉल्ड इंट्राजेनिक और इंटर एलिलिक टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन, क्लियर। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हेन टू एलील्स ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑन द होमोलोगस क्रोमोजोम इंटरैक्ट इन सच अ वे टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट फिनोटाइप देन दैट ऑफ नॉर्मल फिनोटाइप, ठीक है। अब अगर सपोज हम लोग ने नॉर्मल, अगर मेंडल का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर सपोज एक प्लांट हम लोग ने, सपोज एक प्लांट ये टॉल का है, ठीक है, दूसरा प्लांट है ये ड्वार्फ, ठीक है। अब अगर जीन इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि बिटवीन द इंटरेक्शन इज टेकिंग प्ले बिटवीन द टू एलील, तब ना जो फिनोटाइप होगा वो टॉल होगा, ना फिनोटाइप जो होगा वो ड्वार्फ होगा, ये क्या आएगा, ये इन बिटवीन आएगा, ठीक है। तो फिनोटाइप कैसा होगा, इन बिटवीन, ना वो टॉल होगा प्लांट, ना ही वो ड्वार्फ होगा, तो इन दोनों के बीच का हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, व्हेन टू एलील्स ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम इंटरैक्ट इन सच अ वे टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट फिनोटाइप देन दैट ऑफ नॉर्मल फिनोटाइप्स, क्लियर। तो हमें जो प्लांट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ना लंबा मिलेगा ना छोटा मिलेगा, क्लियर। तो हमें जो प्लांट मिलेगा वो इंटरमीडिएट हाइट का मिलेगा। तो ये क्या हो गया आपका, इंट्राजेनिक और इंटर एलिलिक टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन। अब दूसरा हम बात करते हैं इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है इंटरजेनिक, जैसे आप इस वर्ड को ब्रेक करेंगे तो आपको क्या लगेगा, इंटरजेनिक मीन्स देयर इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द टू जीन्स, हेयर बिटवीन द टू जीन्स, ओके। इसमें क्या था, इंटरजेनिक में एक ही जीन में डिफरेंट एलील्स के बीच इंटरेक्शन हो रहा था, लेकिन इंटरजेनिक में क्या हो रहा है कि इसमें बिटवीन द टू जीन्स, ठीक है। इसके लिए भी देख लेते हैं, सपोज हम ये क्या है आपका होमोलोगस क्रोमोजोम, ये हो गया एक होमोलोगस क्रोमोजोम फॉर अ पार्टिकुलर कैरेक्टर, एक ये आपका हो गया होमोलोगस क्रोमोजोम फॉर द सेकेंड कैरेक्टर, ठीक है। आप दो जीन्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग सपोज कर लेते हैं एक जो जीन है वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, दैट इज फॉर हाइट, और जो दूसरा एलील हो गया वो सपोज हो गया आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दैट इज फॉर फ्लावर कलर, ठीक है। दो जीन्स के बीच इंटरेक्शन होना है ना, अब दो जीन्स के बीच होना है तो एक आप कैरेक्टर आपने हाइट का ले लिया, एक दूसरा कैरेक्टर आपने फ्लावर कलर का ले लिया है, ठीक है। अब सपोज यहां पे आपका ये कैपिटल टी प्रेजेंट है, यहां पे स्मॉल टी प्रेजेंट है, वहीं सेकंड में आपका कैपिटल वाई प्रेजेंट है और यहां पे स्मॉल वाई प्रेजेंट है, क्लियर। अब देखिए when the interaction takes place between the two genes then this type of interaction is called intergenic interaction, ये इंटरेक्शन हो सकता है, ओके, या ये भी इंटरेक्शन हो सकता है, क्लियर। तो इसमें क्या हो रहा है, there is a interaction taking place between the two genes, क्लियर, that's why it is called the intergenic or non-allelic interaction, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो इंटरजेनिक इंटरेक्शन है, ठीक है। आने वाले क्लासेस में हम लोग जैसे कि और भी जो डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स हैं जीन इंटरेक्शन के वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेन कॉन्सेप्ट बिटवीन बिहाइंड द इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन एंड द इंटरजेनिक जीन एक्सचेंज, ओके। तो अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें
तो चलिए एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो अगर हम इंट्राजेनिक और इंटर एलीलिक का एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल हो सकता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा क्या हो सकता है? कोडोमिनेंस। तीसरा क्या हो सकता है? मल्टीपल एलिलिज्म। क्लियर? तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इंटरजेनिक के 3 एग्जांपल हैं। फर्स्ट वन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड कोडोमिनेंस, थर्ड मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, इसे हम लोग एबीए ब्लड ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं, एबीए, या हम लोग बोल सकते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग भी इसी के अंदर आता है, मल्टीपल एलिलिज्म के अंदर। ओके, सो ये आपके एग्जांपल हो गए इंट्राजेनिक या इंटर एलिलिक टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन के। अब वहीं अगर हम देखें इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक के, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? एपिस्टेसिस। दूसरा क्या हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। थर्ड क्या हो सकता है? सप्लीमेंट्री जीन। फोर्थ क्या हो सकता है? डुप्लीकेट जीन। एंड मैनी मोर। ठीक है, तो ये क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन के। ठीक है, तो अब हम अपने आने वाले नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो है सिंगल सिंगल टाइप के जो इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे मैं वीडियो जो है वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, बाकी सब जीन इंटरेक्शन को हम लोग उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।